हाय व्यूअर्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ एक नया और फ्रेश वीडियो। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या खास है। पैराग्लाइडिंग ये एक प्रकार का एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जिसमें खास कपड़े का बना हुआ पंख जैसा आकार होता है। इसे हवा के एरोडायनेमिक फोर्स के कारण लिफ्ट प्राप्त होता है, जिससे हवा में ये कई मीटर तक ऊपर उठ जाता है और हवा में दूर तक ग्लाइड करते रहता है। इसका बैलेंसिंग विंग के दोनों किनारे पर बंधे रस्सी के सहारे कंट्रोल किया जाता है। इसे पहली बार 1966 में एक कैनेडियन ने, जिनका नाम डोमनिया जोलबर्ट था, उसने इसे बनाया था और इसके ही नाम से पेटेंट भी प्राप्त है। ये तभी पैराग्लाइडिंग लोगों को करना चाहिए जब हवा की रफ्तार 5 से 15 किलोमीटर पर आवर हो। स्काई डाइविंग, इसे पैराशूटिंग भी कहा जाता है। ये अकेले या फिर ग्रुप में किया जाता है। इसमें एयर बैलून से या फिर एरोप्लेन से ऊंचाई पर जाकर उससे नीचे की ओर कूदना पड़ता है। इसे फ्री फॉलिंग भी कहा जाता है, मतलब कि आसमान में बहुत अधिक ऊंचाई पर जाकर धरती की ओर जंप लगाना। कैप्टन किटिंजर के नाम से सबसे अधिक ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 1,02,800 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। थाईलैंड में 357 लोगों ने एक साथ स्काई डाइविंग किया था और सभी ने करीब 6 सेकेंड के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बेस जंपिंग, ये भी एक प्रकार का एडवेंचर का ही एक खेल है, जिसमें लोग किसी फिक्स पॉइंट से जंप करते हैं, जैसे पहाड़, किसी टावर, किसी ऊंची बिल्डिंग से। बेस जंपिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम समय के लिए पैराशूट खोलने का समय मिलता है। इसके साथ साथ जब कोई बेस जंपिंग किसी बिल्डिंग या फिर किसी पहाड़ से करता है, तो वो उसके किनारे किनारे ही चलता है, जिसमें उसके टकराने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ही इसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गेमों में से एक माना गया है। ग्लाइडिंग सूट सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें भी लोग जब ऊंचाई से कूदते हैं तो हवा की जो रफ्तार होती है वो किस तरफ है, उसको ध्यान में रख के किया जाता है। फ्री डाइविंग, फ्री डाइविंग में बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के पानी के नीचे गोता लगाया जाता है, अर्थात आप अपनी सांस रोककर इसमें गोता लगाते हैं। फ्री डाइविंग भी एक प्रकार का एडवेंचर का ही खेल है, जिसमें कुछ विशेष जगहों पर जाकर लोग इसे करते हैं। इसमें ऐसे जगहों का चुनाव किया जाता है जहां पर कि पानी पूरी तरह से स्थिर हो, उसमें कोई भी करंट ना हो। इसके साथ साथ वैसे जगहों का चुनाव किया जाता है जिसमें पानी की गहराई भी ज़्यादा नहीं होती है। फ्री डाइविंग के द्वारा लोग फिशिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और इसके साथ साथ अंडर वाटर बहुत सारे गेम भी खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, रग्बी, हॉकी इत्यादि इत्यादि। स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग फ्री डाइविंग के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे पानी के नीचे गोता लगाया जाता है। समुद्र के नीचे किसी भी चीज़ का पता लगाने या खोजने के लिए जनरली स्कूबा डाइविंग किया जाता है। स्कूबा डाइविंग भी अकेले या फिर ग्रुप में किया जाता है। एक्चुअल में अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस को ही स्कूबा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसकी खोज हेनरी फ्लस ने किया था। इसने 19वीं सदी में ही एक स्कूबा सेट बनाया था, जिसे शुरू में एक्वालंक्स के नाम से जाना जाता था। हाइकिंग, इसका मतलब है किसी सुनसान सफ़र पर अकेले या फिर ग्रुप में लंबी यात्रा पर, और वो भी पैदल निकलना, अर्थात किसी जंगल या फिर पहाड़ पर
लंबी पैदल यात्रा पर निकलना ही हाइकिंग कहलाता है। एक्चुअल में अगर आप इसे देखें या फिर सुने तो लगता है कि बहुत ही आसान काम है, परंतु इसमें बहुत सारे लोगों का जान जा चुका है। इसका मुख्य कारण ये है कि इसमें लोग जंगल में अपनी रास्ता का पता लगाने में पूरी तरह से भटक जाते हैं, जिस कारण उसका जंगल में भटकते भटकते भूख प्यास से या फिर किसी जंगली जानवर के द्वारा खा लिए जाने से मृत्यु तक हो जाती है। जनरली US, UK, कनाडा और आयरलैंड के लोग हाइकिंग पर ज़्यादातर निकलते हैं। बंगी जंपिंग, इसमें एक रबर जैसी रस्सी से पैरों को बांधकर बहुत ऊंचे स्थान से नीचे की ओर कूदना होता है। इसे जनरली लोग एडवेंचर के लिए करते हैं। इलास्टिक रस्सी के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते इसमें कूदने वाले नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर तब तक जाते आते रहते हैं जब तक कि इलास्टिक रस्सी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म ना हो जाए। इसकी शुरुआत पेंटेकोस्ट द्वीप पर हुई थी और ये वहाँ की एक ऐसी परंपरा है जिसमें लोग अगर वहाँ इस तरह से कर लेते थे तो उसे परिवार बसाने का अधिकार दिया जाता था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।